दोस्तों, इसराइल चारों ओर दुश्मन देशों से घिरा है। देशभक्ति अगर आपको सीखनी है तो इसराइल से सीखिए। आज हम इसराइल देश के बारे में कुछ मजेदार बातें बताएंगे जो देखने के बाद आप इस देश के फैन बन जाओगे। इसराइल दुनिया का अकेला यहूदी राष्ट्र है। इसराइल की जनसंख्या न्यूयॉर्क की आधी जनसंख्या के बराबर है। इसराइल का कुल क्षेत्रफल इतना है कि तीन इसराइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकते। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां महिलाओं को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा में काम करना होता है। इसराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमालों से वो ड्रोन चलाता है। इसराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ साझा नहीं करता। नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे जब उन्होंने इसराइल की यात्रा की थी। इसराइल की वायुसेना दुनिया में 4th नंबर की वायुसेना है। ये किसी भी हमले की सूरत में न सिर्फ जवाब देने में सक्षम है बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही उससे आगे है। भारत से भी आगे है इसराइल। इसराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है मौत। इसराइल की ओर जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसराइली बैंक द्वारा जारी नोट को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें ब्रेल लिपि भी इस्तेमाल की गई है। इसराइल घरेलू कंप्यूटर उपयोग के मामले में दुनिया के पहले नंबर पर है। दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इसराइल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इसराइल में ही बना था। यही नहीं, पहली वॉइसमेल तकनीक इसराइल में ही विकसित की गई थी। इसराइल अपने जन्म से अब तक 7 लड़ाइयां लड़ चुका है जिसमें अधिकतम में उसे जीत हासिल हुई है। इसराइल दुनिया में GDP के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर करता है। इसराइल के सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की, को हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। इस सर्विस की अवधि लड़कों के लिए 3 साल और लड़कों के लिए 2 साल की होती है। इसराइल कभी किसी देश या संगठन को ये नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमला मत कीजिए, बल्कि इसराइल कहता है कि अगर किसी ने हमारे देश में एक नागरिक को मारा तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। अगर आप इसराइल के दुश्मन हो और आप मुस्लिम हो तो आपका इस दुनिया में कहीं भी जिंदा रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसराइल में रविवार के दिन नाक साफ नहीं कर सकते, ऐसा करने पर आप पर मामला दर्ज हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में मान्य है। जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स विलेज में घुसकर 12 इसराइली खिलाड़ियों की हत्या की, तब प्रधानमंत्री श्रीमती गोल्डा मायर ने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को खुद फोन करके कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपने गुप्तचर एजेंसी मोसाद को पूरी तरह छूट दे दी और कहा कि इस घटना में जितने लोग भी शामिल हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, उनको जिंदा नहीं रहने देना है। इसराइल में यहूदी सुअर नहीं पाल सकते, ये कानूनन जुर्म है। इसराइल हीरो की होलसेल व्यवसाय का केंद्र है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। तो दोस्तों, सलाम करते हैं ऐसे देश को जहाँ के नागरिक हमेशा अपना सर उठा के चलते हैं। काफी छोटा देश होने के बावजूद दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है ये देश। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।